आज कोई पेशेंट नहीं आ रहा, क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरी कमर झुक चुकी है। कोई बात नहीं, आपको एक्सरे कराना होगा। डॉक्टर साहब, आप कितने भी पैसे ले लीजिए, लेकिन मेरी कमर को ठीक कर दीजिए। आपको 2000 का एक्सरे होगा और 1500 की मेरी फीस। आप पैसे काउंटर पर जमा कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। इस पागल से मैं बहुत सारे पैसे लूंगा। मैं नर्स को बोल देता हूँ कि नकली एक्सरे रिपोर्ट लगा दे यहाँ पर। हेलो नर्स, मेरे रूम में नकली एक्सरे रिपोर्ट लगा दो कमर की। मैं ज़रा बाहर जाता हूँ। मैंने यहाँ पर नकली एक्सरे रिपोर्ट लगा दी है। मैं उसे बुला लेता हूँ। सुनो, एक नंबर मरीज, तुम आ जाओ। जी बताइए, मेरी एक्सरे रिपोर्ट में क्या निकला? आपको ऑपरेशन कराना होगा, उसके लिए 50,000 रुपये लग जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कर दीजिए जल्दी से। तुम एक काम करो, इस पर लेट जाओ। लाइट्स ऑफ। अब तुम खड़े हो सकते, तुम्हारा ऑपरेशन हो गया। चलो पैसे जमा कर दो, अब तुम उठ जाओ। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, एक लड़की का एक्सीडेंट हो चुका है, मैं उसे लाई, उसे बचा लीजिए। पहले जाकर फीस भरो और फॉर्म भरो, जब भी मैं उस लड़की को बचाऊंगा, नहीं तो मरने दो उसे। डॉक्टर साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में आपकी फीस भर दूंगी, लेकिन पहले उसे बचा लीजिए। नहीं, मरने दो उसे, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसे कैसे भी करके लाती हूँ, आप उसे बचा लीजिएगा। डॉक्टर साहब मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, आप उसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो मर चुकी है। क्या, ये तुम क्या कह रही हो नर्स? हाँ मैं सच कह रही हूँ, वो लड़की मर चुकी है। मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। चलिए। ये तो मेरी बेटी है, ये आपको कहाँ मिली? रोड पर इसका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं इसे बचाकर आपके पास लाई, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी और आपने आपकी बेटी को खो दिया। बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी लालच की वजह से आज तू मेरे पास नहीं रही। अब से मैं हर किसी की मदद करूंगा और लालच भी नहीं करूंगा बेटा। अब रोने से कोई मतलब नहीं होगा, आपकी बेटी जा चुकी है। बेहतर यही होगा कि आप ईमानदारी से काम करें।